सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी कहते हैं उसको जारी किया कि मायावती जी को मूर्ति जो उनके कार्यकाल के दौरान लगा था उसको उसके पैसे लौटा देना चाहिए। अभी यही कहा, अगली सुनवाई अभी बाकी है। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और लगातार बहुजन आंदोलन से जुड़े रहते हैं राजकुमार सर हैं। सर, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? खैर फैसला नहीं है, एडवाइजरी जैसा है, मैंने पढ़ा है कि लौटा देना चाहिए, फैसला ही मान लें। देखिए, ये मूर्तियां नहीं है, ये बहुजन समाज की अस्मिता और पहचान के जीते जागते स्मारक हैं। इन मूर्तियों से बहुजन समाज के करोड़ों लोग प्रेरणा लेते हैं और अपने मान सम्मान के लिए पूरे देश में संघर्ष करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इतना दकियानुसी जातिवादी विचार रखता है तो हमें देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस पहुंच कैसे रहे हैं, किस बैकग्राउंड के लोग हैं जो इस तरह की जातिवादी मानसिकता के तहत यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं इनका एक साइको एनालिसिस कराना पड़ेगा। क्या लगता है, हमारे वकील को भी अब मनु की मूर्ति जो लगी है हाईकोर्ट में उस पर दायर करनी चाहिए याचिका? सिर्फ मनु की मूर्ति नहीं है, पूरे देश के अंदर इन्होंने इस तरीके से सैकड़ों तरह के जानवरों की मूर्तियां लगाई हुई हैं, सैकड़ों तरह के इस तरह के हिंसक पशुओं की मूर्तियां लगाई हुई हैं, ऐसे लोगों की मूर्तियां लगाई हुई हैं जिन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए कोई प्रयास नहीं किया है, उसमें कोई योगदान नहीं दिया है। लेकिन जहाँ कहीं अगर मनुवाद के खिलाफ, जहाँ कहीं मानवतावाद के पक्ष में लड़ाई लड़ने वाले लोगों की कोई भी स्मारक की चीज आ रही है, कोई भी उनकी समृद्धि को बढ़ाने वाली चीज आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट लगातार एससी एसटी ओबीसी या बहुजन समाज के खिलाफ निर्णय दे रहा है। अब लड़ाई बहुत क्लियर होती जा रही है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या सरकार के दूसरे संस्थान है, वो मनुवादियों के जानबूझकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को टारगेट किया जाता है और मीडिया की कोशिश होती है कि चुनाव के समय इनको मतलब मलिन किया जाए, इनके कैरेक्टर असिनेशन किया जाए। बहुजन समाज अब जाग चुका है, वो समझता है कि कितना भी चाहे वो मीडिया के थ्रू या कोर्ट के थ्रू ये बहुजन समाज के नेताओं को, बहुजन समाज के सक्षम नेताओं को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज इस बात को, मनुवादी मानसिकता को, चाहे मीडिया वाले लोग कह रहे हों या जुडिशरी वाले लोग कह रहे हों, समझ रहे हैं। अभी देखते हैं आपके रोस्टर पर किस तरह का निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को लागू किया। जुडिशरी बार बार अपने इन दकियानुसी निर्णयों की वजह से, हम कहेंगे कि ये कोई जजमेंट नहीं है, ये सीधे सीधे मनुवादी फरमान है, जातिवादी फरमान है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस बात को कह रहे हैं कि सरसरी निगाह में हम ये बात कहना चाहते हैं, मतलब पहली नज़र में इस तरह की बात कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप मीडिया के लिए एक हेडलाइन बना रहे हैं, अंतिम निर्णय क्या होगा आपको भी नहीं पता है, लेकिन आपने इस तरह की एक वाहियात स्टेटमेंट दे के पूरे समाज में क्या लगता है? मतलब सवर्ण जो है पैसा लेके देश से भाग जाए तो हीरो, ईडी पूछताछ करे राहुल गांधी के बहनोई का तो पॉलिटिकल माइलेज मिलता है, और मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, इन लोगों को कोर्ट के जरिए, मीडिया के जरिए, कोर्ट के फैसले के जरिए, मीडिया के जरिए बदनाम किया जाता है। क्योंकि इन लोगों के पास पब्लिक सेंटीमेंट है, इनके पास मीडिया की कवरेज नहीं है, इनके पास और उद्योग घराना की कवरेज नहीं है, इनके पास उतना राजनीतिक बैकअप नहीं है, लेकिन हाँ पब्लिक सेंटीमेंट इनके साथ है, लोगों का समूह इनके साथ है, लोगों का विचार और लोगों के संवेदना इनके साथ है। इसलिए क्योंकि राजनीतिक रूप से आप नहीं कह सकते कि आप महापुरुषों के जो स्मारक बने हैं उनको हटाइए, या हाथी कोई सामान्य जानवर नहीं है भारत के अंदर, हाथी बहुजन विचारधारा का, बौद्धिक विचारधारा का मूल आधार है। इसको अगर आप कल कह सकते हैं लोग कि राष्ट्रपति भवन से अशोक बुद्ध की मूर्ति हटा दें, राष्ट्रपति भवन पे तो सबसे ऊपर हाथी की 6 मूर्तियां रखी हुई हैं, किसी की औकात नहीं है वहां पे हटाने की बात करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एम्बलम है वहां पे हाथी लगा हुआ है, आप कहां कहां से हाथी को हटाएंगे? क्योंकि हाथी भारत की खासतौर पर जो बौद्धिक परंपरा है उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसका प्रतीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ चंद जातिवादी जजेज हैं, या मैं कहूँगा ज़्यादातर जजेज जो हैं, उन्होंने शायद ना भारत का इतिहास पढ़ा है और भारत की वर्तमान सामाजिक परिस्थिति को तो बिल्कुल नहीं समझते हैं, लोग विद्रोह करते हैं। तो ये राजकुमार जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और बहुजन समाज के लोग खेल समझने लगे हैं साहब, मीडिया का भी, जुडिशियरी का भी, और अब हर फैसले के पीछे जातिवाद और मनुवाद को ढूंढा जाने लगा है। और जिस तरह से बहुजन नेताओं को बदनाम किया जा रहा है, उनको लगता है एस सी एस टी एक्ट का मामला हो, 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, और मायावती के खिलाफ हाथी वाली मूर्ति का मामला हो, सारे इस तरह के फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। इससे एक संकेत जा रहा है कि जातिवाद का सबसे बड़ा अड्डा कहाँ लोग बने हुए हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।